हाँ तो बच्चों, अभी आप लोगों को फाइंड करना है कि रेशनल नंबर्स या रेशनल्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, रेशनल्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि पहला नंबर, अगर मैं एक प्रॉब्लम की बात करूं तो उसमें ये बात करें कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट। ध्यान रखिएगा कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स फाइंड हो सकता है, लेकिन दो रैशनल नंबर्स के बीच में फाइनाइट नंबर ऑफ, फाइनाइट मतलब कि लिमिटेड नंबर ऑफ इंटीजर्स हो सकता है, होगा लिमिटेड नंबर ऑफ, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ होल नंबर होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर रैशनल नंबर की बात आएगी तो रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट होगा। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों, दो इंटीजर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, दो नेचुरल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो बताइएगा इनफाइनाइट। दो इंटीजर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट। ध्यान रखिएगा, दो रैशनल नंबर के बीच में केवल रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट होगा, बाकी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर फाइनाइट होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर उल्टा बात करें हम कि दो नेचुरल नंबर के बीच में, दो इंटीजर के बीच में, दो होल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट। इसको फिर से सुन लीजिएगा, है ना। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम पहला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि आपके वर्कशीट 5 का है। तो वर्कशीट 5 का नहीं, 6 का होगा, ठीक है ना, 6 का होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा बच्चों। तो वो है, उसमें एक क्वेश्चन होगा, मान लीजिए फाइंड, एक ही में मैं बता देता हूं, एनी फाइव रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, और करके मैं लिख देता हूं, इंसर्ट इंसर्ट फाइव रेशनल नंबर्स। फाइव मैंने लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगा, वो ज्यादा ही नंबर निकाल दे रहे हैं। रेशनल नंबर्स बिटवीन फर्स्ट ले लेते हैं, 4/13, 4/13 एंड 1/13। सेकेंड में आ जाओ, -7/10,